अमृत भारत योजना के तहत आज कतरास को भी एक सौगात मिला है, जो कि 6 तारीख को प्रधानमंत्री द्वारा उद्घाटन किया जाएगा ऑनलाइन। इसमें आपको क्या कहना है, क्योंकि आप भी बहुत दिन तक जब स्टेशन बंद हुआ था, रेल विभाग की तरफ से स्टेशन को बंद कर दिया गया था, उस समय आप भी अनशन में बैठ गए थे रेल चालू करने के लिए, इसमें आपको क्या कहना है? सर्वप्रथम तो यो अमृत भारत योजना के तहत जो सौगात कतरासगढ़ रेलवे स्टेशन को मिली है, इसके लिए मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और साधुवाद देता हूँ कि उनके सौगात से इस कतरास स्टेशन का चहुमुखी विकास होगा। हम सभी जानते हैं कि 15 जून 2017 में आग का हवाला दे करके किस प्रकार से एक षडयंत्र के तहत रेल को बंद कर दिया गया था, और 2 साल के लंबे संघर्ष के बाद हम लोगों के द्वारा, पूरे कतरास की जनता के द्वारा जो लड़ाई लड़ी गई, जो संघर्ष किया गया, पुनः ये जो DC रेल चालू हुआ और ये कतरास स्टेशन का नवनिर्माण शुरू हुआ। और आज बहुत खुशी की बात है, हर्ष की बात है कि पूरे धनबाद जोन में ये कतरासगढ़ रेलवे स्टेशन को विकास के लिए चुना गया। मैं इसके लिए फिर से हार्दिक धन्यवाद देता हूँ देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को कि कतरासगढ़ रेलवे स्टेशन और पूरे धनबाद जिले का इस तरह से विकास हो रहा है। भारत अमृत योजना के तहत जो कुछ रेलवे स्टेशनों का सौंदर्यीकरण और विस्तारीकरण करने की योजना है, उसमें कतरासगढ़ स्टेशन का भी नाम शामिल है, जिसका 6 अगस्त को माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा ऑनलाइन उद्घाटन किया जाएगा। मैं भारत सरकार और रेल मंत्रालय को इसके लिए बधाई देता हूं, क्योंकि इस क्षेत्र की जनता के लिए यह बहुत बड़ी सौगात है, क्योंकि इस लाइन को बंद कर दिया गया था। 26 जोड़ी ट्रेनें इस लाइन पर गुजरती थी और ये बंद, हम लोग नाउम्मीद हो गए थे, लेकिन अब न सिर्फ वो ट्रेनें चालू हुई, बल्कि अब अमृत भारत योजना में अब इसका विस्तारीकरण हो रहा है। यह हम इस क्षेत्र की जनता के लिए बहुत बड़ा उपहार है, और हम समझते हैं कि अब जो ट्रेनें पहले चलती थी, अधिकांश ट्रेनें चल रही है, और कुछ ट्रेनें जो आज भी नहीं चल रही है, मैं समझता हूं कि अगले चरण में शायद उन तमाम ट्रेनों की भी सौगात इस क्षेत्र की जनता को मिलेगी, जो हमारा हक है और वह हमें मिलना चाहिए। मैं इसके लिए रेल मंत्री से गुजारिश करता हूँ, भारत सरकार से गुजारिश करता हूँ कि 26 जोड़ी ट्रेनें जो चलती थी उसको भी चलाया जाए, तो सही में इस क्षेत्र की जनता के लिए सबसे बड़ी सौगात है। प्रभात खबर.com, विश्वास वही रफ्तार नहीं।